देख रही हैं SBN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। खास रिपोर्ट लेकर के आ गई हूं। कोरोना से बहुत सारे लोगों के जान के खतरा है। कोरोना इतना ज्यादा बड़ा फैलाव अपना एक साथ कैसे करती जा रही है, किस तरीके से कोरोना के रोकथाम के लिए चाहे भारत हो चीन हो हर जगह पर कैसी व्यवस्था चल रही है, चलिए तमाम मुद्दे पर हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं। देखिए, दरअसल चीन सरकार के शीर्ष स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक चीन में इस सप्ताह एक दिन में लगभग 33 मिलियन मतलब 3,70,00,000 लोग COVID-19 से संक्रमित हो गए हैं। यह आंकड़े दुनिया भर में जताए गए दावों से भी अधिक है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की बुधवार को हुई आंतरिक बैठक के मिनटों के अनुसार दिसंबर पहले 20 दिन में कम से कम 248 मिलियन लोग या लगभग 18% आबादी के वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। यदि ये आंकड़े सही है तो ये जनवरी 2022 में एक दिन में लगभग 4 मिलियन के संक्रमण दर के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। अब आप समझ सकते हैं कि चीन में इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। वहां पर लगातार देखा जा रहा है कि COVID-19 को लेकर के कोहराम मचा हुआ है और इस कोहराम के बीच में इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी आबादी चीन की संक्रमित हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से संक्रमण का बौछार हो रहा है, भारत भी बेहद नजदीक है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश ही चीन है। ऐसे में चीन में संक्रमण का बढ़ना भारत पर सीधे तौर पर निशाना साध रहा है क्योंकि भारत में भी अब अलर्ट मोड जारी हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, हर कोई जो है इस वक्त अपने मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर जो है यहाँ पर जाग चुका है, अलर्ट मोड पर आ चुका है। मास्क लगाने की कवायद दी जा रही है, डिस्टेंस बनाने की कवायद दी जा रही है, मास्क के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम मुद्दों का ध्यान रखने की भी हिदायत दी जा रही है और जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। लेकिन देखना यह है कि चीन में जो आंकड़े छू रहे हैं, भारत में भी वही आंकड़े पिछली बार छूते हुए नजर आए थे, क्या इस बार भी ये आंकड़े भारत में भी पहुंचेंगे या फिर भारत की जनता इस बार सतर्क नजर आएगी। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।